सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। और साथ ही आप मुझे फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। हाय गाइस, टीएच रिव्यूज में आपका स्वागत है। मैं थोड़ा ट्रेवल कर रही हूँ इसलिए वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कल Xiaomi ने अपना पोको फोन को लॉन्च कर दिया है जिसने सारी डिवाइसेस की बोलती बंद करके रख दी है, तो ये वीडियो तो बनता ही था। ब्रांड्स के बीच में इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि वो अपने डिवाइसेस को बहुत ही ज्यादा किलर प्राइसेस पे रख रहे हैं। जैसे कि पहले ऑनर प्ले ने किया था कि आपको किरिन 970 का प्रोसेसर सिर्फ 20,000 रुपए में दिया था, जिससे कि सब चुप हो गए थे। लेकिन अब हमारे पोको फोन ने तो कॉम्पिटिशन खत्म ही करके रख दिया है। इतना जबरदस्त प्रोसेसर, इतने जबरदस्त फीचर्स आपको सिर्फ 21,000 रुपए में दे दिए हैं। मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि पोको ने ऐसा किया कैसे है। मैंने तो सोचा था कि ये 24-25,000 की रेंज में आएगा, लेकिन 21,000 से तो कंपटीशन खत्म। इस बीच सबसे ज्यादा वाट हमारे SU Zenfone 5Z की लगी है कि वो अब क्या करेगा। 9,000 का डिफरेंस आता है दोनों के बीच में और इतना डिफरेंस कम नहीं किया जा सकता। अगर वो डिस्काउंट दे भी देता है 9,000 का, तो जो कस्टमर्स ऑलरेडी ले चुके हैं SU Zenfone 5Z, जो कि ऑलरेडी दुखी है कि पोको फोन लॉन्च हो चुका है, वो और ज्यादा नाराज हो जाएंगे SU से। तो SU तो अब कुछ नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से अब MI A2 का भी काम खत्म ही है, क्योंकि अगर आपने MI A2 लेना है तो आप एक मंथ वेट कर सकते हैं और उसके बाद सिर्फ 3-4,000 रुपए मिलाने के बाद आपको पोको फोन मिलेगा, जिसके अंदर आपको जबरदस्त फीचर्स देखने को मिलेंगे। वैसे तो हमारे OnePlus 6 पे भी थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन उस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो OnePlus 6 के फैन हैं, जैसे कि हमारे नोट सीरीज के फैन होते हैं, आईफोन के फैन होते हैं, वो लोग वही डिवाइस लेते हैं, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि थोड़ा बहुत तो फिर भी पड़ेगा। लेकिन जो हमारा Nokia 7 Plus था, Oppo F7 था, Vivo V9 था, Honor Play था, Huawei Nova 3i था, इनकी तो गेम खत्म ही कर दी है। और जो हमारा Oppo F9 Pro था, उसका क्या होगा वो तो भगवान भरोसे ही है। वैसे तो हमारे Vivo का V11 Pro भी आने वाला था, जिसका 6 तारीख को लॉन्च है। अब वो क्या करेगा मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा। उसको प्राइसिंग में 18-19,000 रखनी पड़ेगी और थोड़े फीचर्स भी ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि बंदा क्यों लेगा। लेकिन ज्यादा कुछ Vivo कर नहीं सकता, क्योंकि 6 तारीख का लॉन्च है तो ऑलमोस्ट सारी चीजें फाइनल हो चुकी होती हैं। पोको ने पूरी गेम चेंज करी हुई है। पोको फोन को सबसे खतरनाक उसका प्रोसेसर बनाता है। उसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर मिलता है। उसके साथ 3 वेरिएंट मिलेंगे आपको। पहला हमारा 6GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी वाला, जो कि आपको 21,000 में मिल जाएगा। ये सबसे ज्यादा किलर प्राइस है। उसके बाद दूसरा आता है हमारा 6GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी वाला, जो कि आपको 24,000 में मिल जाएगा। और तीसरा आता है हमारा 8GB रैम 256GB वाला, जो कि आपको 30,000 में मिल जाएगा। और साथ में आपको 4000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, साथ में लिक्विड कूलिंग सिस्टम, जिससे कि अगर आप हाई एंड गेमिंग भी काफी देर तक खेलते हैं तो भी आपके डिवाइस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके साथ आपको 6.18 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलता है, और साथ में ये नॉच वाला डिस्प्ले होगा आपका। और साथ में कैमरा की अगर मैं बात करूं तो 12+5 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप आपको बैक में मिलेगा और 20 मेगापिक्सल का कैमरा आपको फ्रंट में। ये हमारा रेडमी नोट 5 प्रो वाला ही सेटअप है। साथ ही इसके अंदर आपको IR फेस अनलॉक भी मिलता है, और बढ़िया चीज ये है कि टाइप सी पोर्ट के साथ आपको 3.5mm जैक भी मिलता है, और उसके साथ गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन। कौन सा है ये अभी स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन मिलेगा जरूर। सो काफी बढ़िया और खतरनाक स्पेक्स रखे हैं पोको ने। सो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसकी अनबॉक्सिंग आपको इस चैनल पे जरूर मिलेगी। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। मैं ट्राई करूंगी और भी वीडियोस जल्दी जल्दी डालने की। ट्रेवल कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे।